अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खिजर रियात और आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और जो हम आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं ये डेयरी फार्म पे है, तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आपके साथ अच्छी और मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर करेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस जो फार्म के आनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलें हम इनका इंटरव्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद कादरी। शाहिद कादरी? शाहिद कादरी, माशाल्लाह अच्छा नाम है। तो शाहिद भाई, आप ये जो डेयरी फार्म का काम है आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं? ये भाई मैं तकरीबन एक साल से कर रहा हूँ। एक साल से? तो आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो कितने जो है ना वो जानवरों से किया था? मैंने तकरीबन 9 जानवर थे मेरे पास। 9 जानवर? 9 जानवर। तो कहाँ से आप ये जानवर लिए? ये मैं साहिवाल गया था नस्ल लेने। जी, तो नस्ल कौन सी है आपके पास? ये मतलब जो सबसे अच्छी नस्ल होती है जो भाई ये देखेंगे या जानते हैं थोड़ा बहुत जी, तो नीली रावी की नस्ल होती है जी, वो है जी। और कुछ एक दो जो है वो थोड़ी और है जी। जो एक दो है वो देसी है, यानी कि इधर लोकल की है? लोकल ही है। हाँ जी। तो सर हमें थोड़ा सा ये बता दें कि जब आपने एक भैंस ली थी उधर से साहिवाल से, तो वो आपने कितने में जो है ना वो ली थी? उस वक्त क्योंकि सीज़न था जी, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया जी जी, तो काफ़ी हाई रेट थे उस वक्त जी जी, तो मैंने तो 1,75,000 की भी ली है जी, और 85 की भी ली है 1,00,000 जी जी, इससे कम भी है जी। तो शाहिद भाई हमें थोड़ा सा ये बता दें कि ये कितनी जगह पे आपका ये फार्म है, तो इसकी बिल्डिंग का थोड़ा सा हमें बताएँगे, इसकी स्ट्रक्चर? ये अभी 6 मरले गर्बन जगह है जी, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी कम है जी, तो इंशाल्लाह तब इसके लिए और बढ़ाने की कोशिश करेंगे जी, क्योंकि ये मुझे कम लगी है जी। आपका कहने का मतलब है कि अब आप इसको प्रॉपर जो है ना वो फार्म की शक्ल, फार्म की शक्ल देने वाले हैं जी जी। तो आपने जब इसको स्टार्ट किया था तो ये जो काम था, तो आपको मशवरा ये कहाँ से, किसने आपको ये मशवरा दिया, आपकी किसने हेल्प की? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरी जो हेल्प की थी वो मेरा कज़न है जी, उसने इंग्लैंड वो जो है ना अपना बिजनेस है उसका जी जी, तो उसने वहाँ से मुझे कॉल किया आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये वाला करो जी, तब मैंने वो जो है ना स्टार्ट लिया था जी। तो वाकई में मज़ा आया इसका करने का जी जी, बहुत अच्छा कारोबार जी जी। तो सर अब मैं ये बता दें कि इनकी जो आपकी जानवरों की जो दूध की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है? 14 यानी कि 9 जितने भी आपके पास जानवर बता रहे हैं आप, इनकी कितनी प्रोडक्शन है मिल्क की? ये क्योंकि ताज़ी भैंसे हैं जी जी, तो ताज़ी में जो है ना अभी मैंने बहुत कास्टली क्योंकि परचेज भी की है जी, तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है ना किस नस्ल की भैंस ली है और वो उसी हिसाब से दूध देती है ठीक है। तो अगर भाई चेक देखें तो ये भैंस मेरे पास है जी, ये जो नया बंदा या पुराना इसको देखेगा तो ऐसा आप लगा सकते हैं कि तकरीबन ये 9 किलो 8 किलो एक टाइम का जो है ना दे देती है जी। लीटर में ले ले तो यूं कह ले। तो ये नीली रावी है? ये नीली रावी है। नीली रावी ठीक है, ये दोनों नीली रावी, ये दोनों नीली रावी। इनकी जो रेट्स इनके बुला क्या होंगे, कितने में एक नया बंदा जो लेगा अगर लेता है इस तरह की भैंसे उसको कितने में ये मिल जाएगी? ये जो है ना अभी तो क्योंकि ये 185 की मैंने ली थी, 185 1,85,000 की, 1,85,000। तो ये हमारी घर की है जी। तो शाहिद भाई थोड़ा सा हमें ये बता दें कि ये जो आपकी 7 भैंसें हैं दूध दे रही हैं, ये डेली किन की क्या प्रोडक्शन है? डेली किन की प्रोडक्शन बन जाती है तकरीबन 60 लीटर। 60 लीटर? तो इसके रेट से क्या है दूध के? दूध के जो इधर हमारे यहाँ जो करंट रेट है वो तो अभी चल रहा है तकरीबन 80+ जी, 80+ है जी, 90 भी मिल जाता है जी जी, और 100 भी जो है ना वो चल रहा है। तो सर इसमें आपका खर्चा कितना आ जाता है चोकर फल चारे वगैरह का डेली बेची? मैं जस्ट आपको चोकर का ही बता देता हूँ कि एक जो बैग लगता है ना हमारा जी, बोरी कह लें तोड़ा कह लें बैग जो आसानी से जो मिलता है मार्केट में जी, वो सबके लिए एक दिन का 1 लग जाता है। तो खल
खल जो होती है ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी खिदमत कर रहे हैं उनकी, यानी प्रोडक्शन लेने के लिए आप जो है ना 2-3 kg मिनिमम तो 2 kg तो जो है ना चाहिए जी, जी। इनके लिए तो सारे इनके चारे के लिए आपके पास बाहर जो चारा लगाते हैं उस कितनी की वो जमीन काफी है इनके लिए? इन सात के लिए तो जो है ना 3-4 acres काफी है। 3-4 acres जी। तो शायद भाई थोड़ा सा हमें ये बता दें कि ये कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो न्यू बंदा करना चाहता है उसको आप क्या जो है ना उसकी रहनुमाई करेंगे या किस तरह इसकी हेल्प करेंगे? जी मैं तो जो है ना पर्सनली ये समझता हूँ जी कि जो बंदा बिजनेस का सोचता है वो सबसे पहले ये सोचता है कि मार्केट में कौन सा बिजनेस इन है जी, और ये बिजनेस ऐसा है कि आपको जो है ना साल के 12 महीने इन ही है जी, बहुत ज़बरदस्त और अच्छा बिजनेस है, मैं चाहूँगा कि ये जरूर किया जाए। तो कितने से स्टार्ट करें वो? थोड़े से करना चाहिए अगर उसको तजर्बा नहीं है जी और वो अफोर्ड कर सकता है जी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ना करे जी, अफोर्ड भी कर सकता है तजर्बा नहीं है तो 4 से स्टार्ट ले लें। तो इसकी जो वो भैंसे वगैरह वो कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से परचेज करेगा? अभी तो हमारे लोकल एरिया में भी मिल जाती है अच्छी नस्ल की, जिस तरह मैं लेके आया हूँ जी, तो अगर कोई मुझसे लेने आए तो इस तरह के जितने लोग हैं ना जिन्होंने रखी हुई हैं वो भी दे देते हैं, और अगर नहीं तो कोशिश करें कि आगे पीछे साहिवाल वगैरह, मैं तो उधर से लेके आया साहिवाल से जी, तो उधर से मिल जाती है अच्छी मिल जाती। तो व्यूअर्स ये हमने डेयरी फार्म पे जो है ना वीडियो आपके साथ शेयर की, और इसी के साथ हम शाहिद भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी, बहुत मेहरबानी। तो व्यूअर्स अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स करें, और जो न्यू वाचर हैं वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ की ईमान अल्लाह।